नमस्कार दोस्तों, केफोटेक में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ट्रॉपिकूल का कार फ्रीजर। ये फ्रीजर है जो बर्फ तक जमा सकता है आपकी कार में। 12 वोल्ट पे चलता है, सिर्फ 45 वॉट की पावर लेता है जैसा स्पेसिफिकेशन में लिखा है। इसे मैंने खरीदा है मेरी कार में रखने के लिए। तो आज इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। इसकी हम पावर भी चेक करेंगे कि कितनी पावर लेता है। एसी पे भी चलता है, डीसी पे भी चलता है। तो एसी में कितनी पावर लेता है, डीसी में कितनी पावर लेता है, क्या क्या फीचर है, कितनी देर में ठंडा करता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो ये मैंने निकाला है, लेकिन इससे पहले वाला पार्ट जो है वो अब मैं प्ले करूंगा, अनबॉक्सिंग करते हैं सब क्विकली। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। फ्रिज कैसे पकड़ के निकालना पड़ा, ओके, बगल में साइड में ये है। इसका बॉक्स जो है, इसके अंदर एक और इसके अंदर बॉक्स है, इसमें कुछ, ओके, इसमें ये इसका पावर अडॉप्टर है जो एसी से चलता है। इसका आगे का केबल ये होगा, ओके, तो ये इसको आप जोड़ देंगे। तो ये इसका जो है पावर अडॉप्टर है। अगर आप एसी पे चलाना चाहें, घर के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एसी से। लेकिन अगर आप कार में यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये आपका डीसी अडॉप्टर है। ये वाली साइड जो है वो आपकी कार के सिगरेट लाइटर में चली जाती है। किसी भी सिगरेट लाइटर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 45 वॉट मैक्सिमम पावर ये सिर्फ लेता है। यानी आप किसी भी कार के किसी भी सिगरेट लाइटर में आप इसे लगाएंगे तो ये ठंडा करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें, ये एक इसका जो है ऑपरेटिंग मैनुअल है। मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो है वो मैं खोल देता हूँ। इसमें ये पूरा पैनल, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे यूज़ करनी है वो सारा इसमें लिखा है। ट्रबल शूटिंग, अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही हो तो आपको जो है किस किस तरीके से करना है। बहुत सारे कोड जिसमें F1, F2, F3 वो सब कैसे यूज़ करना है। अगर हम ऐसे देखें इसे तो काफ़ी सॉलिड है एक्चुअली, और अंदर काफ़ी स्पेस है। अभी हम इसको चालू करके भी देखेंगे। और ये ट्रॉपिकूल कंपनी का है, लेकिन एक्चुअली आप वर्ल्ड वाइड देखें तो अलग अलग नाम से ये बिकता है, लेकिन ये बहुत कॉमन रेफ्रिजरेटर है। इंडिया में नहीं बनता है, इंपोर्ट होके आता है। तो ये ट्रॉपिकूल जो कंपनी है इंडिया में, ये इंपोर्ट करती है। इसके डायमेंशन की बात करें 56 सेंटीमीटर है, आगे से पीछे को अगर हम मैच करें 33 सेंटीमीटर हाइट है, लगभग 26 mm। ठीक है, इसके ऑफिशियल स्पेक्स जो हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। अंदर अगर हम देखें तो इसकी हाइट सबसे पहले हम चेक करें, लगभग 17 सेंटीमीटर है। तो 17 सेंटीमीटर तक की आपकी कोई भी बॉटल की हाइट है अगर इस तरह से, तो वो खड़ी हो सकती है। ये विड्थ अगर हम देखें तो लगभग 24.5 सेंटीमीटर ये वाली विड्थ है अंदर। और ये अगर हम चेक करें तो ये है लगभग 35 सेंटीमीटर अंदर से। ये इधर उठाने के लिए हैंडल है, ऐसा ही हैंडल आपको इस तरफ भी दिखेगा। ये इसका पीछे से लुक है। ये ऊपर से इतना रिजिड है कि अगर आप कैंपिंग वगैरह जा रहे हो तो आप इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। और आप देखेंगे तो ये डीसी 12 वोल्ट पे भी चलता है और 24 वोल्ट पे भी चलता है। अंदर आपको जो ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है वो कंप्रेसर है। और ये इसके साथ दूसरा जो केबल आया है, ये कार्स में लगाने वाला केबल है। अभी मैंने जो केबल कनेक्ट किया है वो डीसी है, उसमें इस तरह का अडॉप्टर है आगे साथ में। और उस अडॉप्टर को मैंने यहाँ पर, आप ये देखिए, ये वॉट मीटर के साथ यहाँ मैंने अटैच किया हुआ है। और इसे मैंने पावर पॉइंट में लगाया, तो इसे अभी चालू करते हैं। तो अभी सिस्टम ऑफ है, तो अभी 1 वॉट से कम पावर ले रहा है। तो अभी हम इसे ऑन करते हैं। ये जो बटन है आपको दिख रहा है, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। तो ये अभी ऑन हुआ है। मैं आपको थोड़े से कंप्रेसर की आवाज भी सुनाता हूं। हमारे घर में जो फ्रिज जितना आवाज करता है उससे लगभग 50% आवाज है इसकी। ये यहां पे जो प्लस और माइनस आपको दिख रहा है, ये इसका टेम्परेचर सेटिंग है। इसकी टेम्परेचर नेगेटिव में इसकी टेम्परेचर -20 डिग्री तक जाता है, आप चाहें उतना रख सकते हैं। तो जैसे ये अभी -20 से ऊपर जा रहा है,
ये लगभग ज़ीरो आ गया है और ये ज़ीरो से ऊपर जा रहा है। तो जितना भी आप रखना चाहें उतना जो है रख सकते हैं। मैं नॉर्मली इसे 2 से 4 डिग्री के बीच में मैं चलाने वाला हूँ, लेकिन आप अगर इसमें बर्फ़ वगैरह जमाना चाहते हैं तो आप उसे -20 में रख सकते हैं, या -2, -3 जितना भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये जो है ये आपको अगर आपने बाहर बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है या कार में, तो उससे कितना वोल्टेज आता है इसमें, उस समय कितना वोल्टेज आ रहा है वो, और उसके वोल्टेज के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि बैटरी में कितनी पावर बची है वो यहाँ पे। और ये आपको ब्लूटूथ जो दिख रहा है वो इसकी एक ऐप आती है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो आप इसकी ऐप में भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैक्स जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली एक इसका फंक्शन है कि आप कूलिंग, जैसे आपके फ्रिज में भी कई बार होता है कि फास्ट कूलिंग करना है या आराम से करना है, तो ये मैक्स और यहाँ पे ये इसको दबाएंगे तो ये दूसरा जो है इको यानी इकोनॉमी, तो मैक्सिमम कूलिंग और इकोनॉमिक कूलिंग ये इसका मोड है, जो ये ऊपर वाला जो बटन दबा के और ये चेंज होता है इस तरह से। ठीक है, इसके बगल में जो एच आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए ये एच, ये होता है आपकी जो वोल्टेज का ऑटोमेटिक जो कट ऑफ। मान लीजिए आपने कार की बैटरी से इसे अटैच किया हुआ है, तो कितनी देर बाद ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाना चाहिए कि आपकी कार की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज ना हो। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो ये ऊपर जो ये सेटिंग वाला जो बटन है ये वाला, आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखिए जब तक कि ये एच, एल या एम ब्लिंक नहीं करता है। जब ये ब्लिंक करने लगे तो आप इसे दबाइए, देखिए एल एम एच। लेकिन अगर कोई आप एक्सटर्नल बैटरी यूज़ कर रहे हैं कार की नहीं, तो आप इसे एल पे रखिए। तो एल पे रखने का फ़ायदा ये है कि वो बैटरी काफ़ी डिस्चार्ज होने के बाद ये बंद होगा, एच पर बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज होगी उसी पे, उसके एग्जैक्ट वोल्टेजेस जो हैं वो मैं आपके यहाँ पे टॉप राइट में मैं डाल दूंगा। तो ये इसमें सेटिंग्स हैं, और ये इसका यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, देखिए इस तरीके का यूएसबी से अपना कोई फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इसकी ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ठोस है, मतलब ये, और ये इसका जो बॉक्स का ये लैच है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कोना निकला रहता है ये जाके इसमें यहाँ पे फंसता है, तो खोलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, एक हाथ से खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी ऐसे बंद करने में भी आप देखिएगा, देखिए, और एक हाथ से अगर अंदर सामान नहीं है तो वेरी डिफ़िकल्ट टू ओपन विथ वन हैंड, तो मैं नहीं खोल पा रहा हूँ एक हाथ से, तो मुझे दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। ओके, तो हम इसका पावर कंजम्पशन देखते हैं, और चालू करते ही मैंने इसे चालू कर दिया है, तो कंप्रेसर चालू होने से पहले जो है, ओके, कंप्रेसर इमीडिएटली चालू हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 40 से 41 वॉट ये ले रहा है, मैक्सिमम ये 50 वॉट तक जाता है, लेकिन 50 वॉट शायद 1-2 सेकंड के लिए जाता है, फिर 45 वॉट पे वो स्टेबल हो जाता है। तो अभी ये मैक्स मोड में है, अगर मैं इसे इकोनॉमी मोड में अगर मैं करता हूँ तो ये इकोनॉमी मोड में है, तो अब देखते हैं, ये मैंने खुला इसलिए रखा है ताकि कंप्रेसर फुल स्पीड पर चले। तो इकोनॉमी मोड में अगर हम देखें तो इकोनॉमी मोड में थोड़ी कम पावर ले रहा है, यानी 35 से 36 वॉट इकोनॉमी मोड में ये पावर ले रहा है, और 40 से 41 जो है वो मैक्स मोड में। तो आप जैसे देख सकते हैं ये बोतलें, जैसे अगर मैं इसमें यहाँ मैं खड़ी रखता हूँ तो ये दरवाज़ा बंद नहीं होता है, तो कोई भी 1 लीटर की बोतल जो है या आपकी सोडा की जो बोतल है वो खड़ी नहीं रहेगी, ये देखिए खड़े में नहीं, तो आप ऐसे 1-1 लीटर की 3 बोतलें जो है वो आप ऐसे आड़ी सुला सकते हैं, और इसके ऊपर 3 बोतलें और लगा सकते हैं, और यहाँ आपके पास इतनी जगह जो एक्स्ट्रा बचती है। तो अब इसे मैं इसका टाइम मैं टेस्ट करने वाला हूँ, तो अभी इन 3 को लगा के मैंने इसे बंद कर दिया है फिक्स, और अभी ये बंद है, और इसको अब मैंने कनेक्ट किया है, ये देखिए ये मेरा स्पार्कल का एक पावर स्टेशन है जिसे मैं कार में यूज़ करता हूँ। इसकी बैटरी अभी 100% चार्ज है और वोल्टेज 13.4 वोल्ट है, तो इसमें ये जो है ये सॉकेट मैंने इसमें लगाया है, तो अब इसे ऑन करते हैं, बैटरी ऑन, यहाँ पे ये मैंने फ़ोन रखा है, अब मैं इसे भी ऑन करूँगा, ये देखिए अभी 22 डिग्री पे है, और इसे भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो हमको ये देखना है कि 22 डिग्री से मैंने इसे सेट किया है -20 डिग्री पे, जस्ट सिर्फ देखने के लिए कि ये कितने टाइम में जो है
वो 0 डिग्री पे आता है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि ये 12.2 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है और मेरा सिस्टम एक्चुअली अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो 13.2 वोल्ट पे है। तो 1 वोल्ट का ड्रॉप जो है वो इस वायर की वजह से शायद आ रहा है। तो 22 डिग्री से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं, 0 डिग्री पे आने में कितना टाइम लगता है मैं थोड़ी थोड़ी देर में आपको दिखाता रहूँगा। ओके, तो लगभग 1.5 मिनट के बाद इसका कंप्रेसर अभी चालू हुआ है। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट होने वाले हैं और 20 डिग्री टेम्परेचर यानी सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर जो है गिरा है। अभी शुरू के 3-4 मिनट स्लो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था लेकिन अभी टेम्परेचर ड्रॉप की स्पीड बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि अभी 10 मिनट होने वाले हैं और 10 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी गिर चुका है। तो ये 10 मिनट में 10 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप। ओके, तो यहाँ पे 15 मिनट होने वाले हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसे 2 डिग्री पे यूज़ करने वाला हूँ। ये देखिए 14 मिनट और 50 सेकंड में ये 22 डिग्री से 2 डिग्री पे आ गया यानी 20 डिग्री का ड्रॉप। तो मेरे लिए मतलब मुझे नॉर्मली जिस टेम्परेचर पर रखना है वो ये 15 मिनट के अंदर अंदर अचीव कर लेता है। तो फॉर मी इट वर्क्स इन 15 मिनट्स। बट जिन लोगों को 0 डिग्री भी चाहिए या उससे भी नीचे तो मैं इस टेस्ट को कंटिन्यू करता हूँ। ट्राई करते हैं आखिर तक, मतलब -10 तक भी ट्राई कर लेंगे या -15 तक भी करके देखते हैं, लेट्स सी होता भी है कि नहीं। ओके दोस्तों, तो 0 डिग्री आ गया है 16 मिनट के अंदर अंदर। ओके, मतलब 15:40 के आसपास आ गया था तो 16 मिनट के अंदर अंदर 0 डिग्री है। मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, देखते हैं -5 कब पहुँचता है और भी नीचे ट्राई करेंगे। ओके, तो 20 मिनट में -7 डिग्री पे पहुँचा है। ओके, तो 25 मिनट हो गए हैं और -9 डिग्री पे है। तो जैसा कि आपने देखा शुरू में जब 22 डिग्री से शुरू किया था तो पहला ड्रॉप स्लो था, फिर उसके बाद काफ़ी स्पीड से 0 तक आया, फिर 0 के बाद ड्रॉप होने की स्पीड कम हो गई है और अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से बहुत धीरे नीचे सरक रहा है। ओके दोस्तों, सो ये मेरे टेस्ट के लास्ट 30 मिनट होने वाले हैं और टेम्परेचर -10 डिग्री पे पहुँचा है। लास्ट के 5 मिनट में आई थिंक टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री गिरा है। ओके, तो 30 मिनट बाद मैं ये खोल रहा हूँ। बॉटल्स काफ़ी ठंडी लग रही हैं, मतलब पानी इतना ठंडा है कि आप पी नहीं पाएंगे शायद। ओहो, बगल में तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, इधर भी 30 मिनट में ये इतना ठंडा है। और ये मैं बंद कर दूँ तो टेम्परेचर मेरे खोलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं अभी भी -10 डिग्री ही दिखा रहा है और ये मेरा इधर मीटर अभी भी चालू ही है। ओके गाइज, एक मैं लास्ट टेस्ट करना चाहता हूँ, अभी लगभग 45 मिनट हुए हैं। मैं इसे पूरी रात ऐसे ही चलने देने वाला हूँ। ये अभी बैटरी 96% पर दिखा रहा है और इसका टेम्परेचर जो है वो मैं मैं 0 डिग्री पे रखने वाला हूँ या -2 पे रख लेते हैं चलो। तो इसका टेम्परेचर मैं -2 पे रखने वाला हूँ और पूरी रात में इसको चलाने वाला हूँ। अभी रात के 8:30 बजे हैं। एक बार मैं आप लोगों को सुबह भी मैं दिखाऊंगा कि टेम्परेचर वगैरह सस्टेन रहता है या नहीं रहता है। और ये बैटरी 30 एम्पियर आर की बैटरी है, इसके अंदर ये पूरी रात इसको चला पाती है या नहीं चला पाती है। मैं मैक्स मोड में ही रखने वाला हूँ और बैटरी कट ऑफ एल पे है, मोड मैक्स। ओके, सुबह के 8 बज चुके हैं और ये -2 डिग्री दिखा रहा है। वोल्टेज ये क्या बताता है, भगवान भरोसे है, वोल्टेज का मुझे कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे अभी 12.5 वोल्ट ये दिखा रहा है और ये बैटरी इसका वोल्टेज 92% दिखा रहा है। ओके, तो ये 91%, तो हम लोगों ने इसे 96% पे रात को छोड़ा था। तो अभी 12 घंटे बाद ये स्टेटस है। अंदर अगर हम खोल के देखें, बहुत मुश्किल है एक हाथ से खोलना। एनीवे, तो वेरी चिल्ड, एकदम एकदम। ओहो, इसके अंदर तो
ओके, इसके अंदर बर्फ जम गया है। हाँ, वो जो स्लशी सा होता है ना, आधा बर्फ आधा पानी वैसा। और यहाँ पे पूरा फ्रॉस्टिंग हो गया है इस तरफ, इधर भी देखिए थोड़ा थोड़ा फ्रॉस्टिंग हो गया है। तो हम लोगों ने इसे खोला नहीं था, एक बॉटल में रात को निकाल के ले गया था, सोडा की जरूरत पड़ी थी रात को। ओके गाइस, तो ओवरऑल आई वुड से वेरी गुड परफॉर्मेंस। और ये स्पार्कल ने तो मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया है। इसका वीडियो बनाया मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दैट्स इट गाइस, आई होप ये ट्रोपिकूल का 12 वोल्ट रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर आपको पसंद आया हो। इसे मैं अपनी कार में लगाने वाला हूँ, और मेरा एक ट्रैवल का भी चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा, तो आपका भी उसमें हो सकता है मुझे आप इसे यूज़ करते देखें। सो दैट्स इट, बाय बाय।